हाँ नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपको केदारेश्वर महादेव का मंदिर का दृश्य दिखाऊंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये सेलाना के पास में है, 4-1 किलोमीटर दूर। ये इस गांव का नाम है केदारेश्वर महादेव मंदिर। और मैं शामगढ़ से आया जीतूमल राठौर, और मेरे धार्मिक चैनल के माध्यम से हम आपको ये चैनल दिखाएंगे, और आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको केदारेश्वर महादेव दिखाएंगे। और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपको अगर देखना है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एक से एक बढ़िया प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको ये प्रोग्राम दिखा रहा हूँ और ये दृश्य दिखा रहा हूँ। और ये मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है? केदारेश्वर महादेव मंदिर। केदारेश्वर महादेव मंदिर जहाँ पे सावन के महीने के अंदर लोगों को बहुत आनंद आता। अभी तो हम क्या आड़े दिन आए हैं, ताकि आड़े दिन देखने के बाद भी लोगों को मालूम पड़े कि यह मंदिर बहुत अच्छा है, तो वो फिर बाद में सावन के महीने में आ सकता है। जो सावन के महीने में तो हम भी आएंगे, मगर अभी तो हम आपको इसका दृश्य दिखाते हैं। और देखो ये मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर। और ये कुंड है, और इस कुंड के अंदर भी झरने वरने पानी गिरेंगे। और अभी तो हम आपको दिखा रहे हैं, और देखो अभी हम आपको नीचे ले चल रहे हैं। अभी तो यहाँ भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी सावन का महीना भी नहीं है। वो कोई ऐसा कोई जहाँ भोलेनाथ का स्थान होता, जहाँ समय होता वहीं पे लोग जाते हैं। अभी तो क्या है कि काम धंधे का टाइम है, लोग कमाएंगे और खाएंगे, बीवी बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, और शादी ब्याह भी करना लोगों के, इसलिए अभी धर्म के नाम से भी कम आ रहे जा रहे हैं। अब देखो हम आपको है ना, अब ये कुंड दिखाते हैं भोलेनाथ का। राम राम बासा, राम राम बासा। तो चॉकलेट खा जाए मारा बासा, है ना? ये लो, हाँ पढ़ ले बासा। हाँ हाँ, वाह मारा राम, बढ़िया बासा। हाँ हाँ, बढ़िया। और भगवान कही है यो? ये चॉकलेट है, चॉकलेट खा लीजिए मारा बासा। और चाय पानी? हाँ चाय पानी का पैसा भी लो। ये लो लो, ये लो सर, ये 20 रुपया लो चाय पानी का, ठीक है ना? हाँ हाँ, वाह वाह, भगवान आपे खुश रखे, आपको बुढ़ापा अच्छा रखे बासा। क्योंकि आप ये कहने बूढ़ा आदमी की सेवा कराने तो फिर भगवान अपने पे दया करे, क्योंकि बुढ़ापा तो सबको आवेगा। सबको कीड़ी को कर्ण, हाँ, को मन, पूरी संसार सारी। हाँ, बच्चा बच्चा और बूढ़ा, अन्य भगवान बैठा था का, बुजुर्ग आदमी में तो ब्रह्मा जी बैठा था का, और बच्चा के अंदर कृष्ण भगवान बैठा था का। जो आ जाना की इज्जत करे नी, तो उन्हें भूत चुड़ैल डाकड़ा कहीं भी नहीं के। सही बात, खाली पया कमा तो जिंदगी नहीं गुजरे बासा। हाँ, अच्छो काम भी करता रहो, है क्या नहीं बासा? वाह ठीक है, मैं आ रहा हूँ, है ना? मैंने भोलेनाथ का यहाँ पे लोगा के लिए ने यहाँ शूटिंग करी नहीं हूँ। देखो भोलेनाथ के दर्शन कराता हूँ। वाह वाह, क्या बात है मेरे प्रभु, क्या गजब का, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, जोरदार मंदिर बना हुआ यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो क्या बात है, वाह वाह वाह, भोलेनाथ का क्या मंदिर का कुंड बना हुआ, वाह वाह वाह, क्या बात है। सावन के महीने में यहाँ पे ना झरने वरने बहुत गिरेंगे। देखो इस कुंड में नहाना मना है, ये देखो ये कुंड है, है ना? ये कुंड देख लो, ये है केदारेश्वर महादेव मंदिर का, सेलाना से 4 किलोमीटर दूर। क्या दादा, ये सेलाना से 4 किलोमीटर दूर है नी? हाँ, ये सावन का महीना में बहुत अच्छा भीड़ होगा पानी। सावन का महीना? अच्छा, सावन का महीना में घनी भीड़ आती होगा यहाँ? भीड़ आती है। वाह वाह, क्या बात है, भोलेनाथ को चमत्कार है यहाँ। ले श्यामो, एक काम कर, हाथ मुंडा धोई ले। पंडित जी है अंदर, चला जाओ मंदिर। हाँ हाँ हाँ, हाथ हाथ मुंडा धोई लो, है ना? हाथ मुंडा धोई लो, है ना? ये, अरे वाह वाह, गजब का, वाह वाह, क्या बात है, वाह साहब वाह। ये भोलेनाथ का मंदिर आ गया साहब, भोलेनाथ की जय हो। ये लो साहब, केदारेश्वर महादेव का भोलेनाथ का मंदिर है। अब आपको इसका दर्शन कीजिए, पीछे गुरुजी है, अब गुरुजी के भी आपको दर्शन कराएंगे। देखो हाँ, कितना प्यारा मंदिर बना रखा। हाँ हाँ, वाह साहब क्या बात है, केदारेश्वर महादेव का मंदिर के आप है ना, ये दर्शन के, गुरुदेव प्रणाम। हाँ हाँ, ये लो साहब, केदारेश्वर महादेव के, केदारेश्वर महादेव मंदिर में पधारे सभी भक्त गणों को हार्दिक हार्दिक बधाई। वाह साहब, इसके भी दर्शन हो गए साहब। ये नांदिया महाराज जी, वाह वाह क्या बात है, भोलेनाथ की जीवन साथी। वाह साहब, जय भोलेनाथ।
तेरी जय हो, जय हो भोलेनाथ, तेरी जय हो। केदारेश्वर महादेव मंदिर के भोलेनाथ के अब आप दर्शन करिए। वाह वाह भोलेनाथ वाह। लेकिन नारियल की बत्ती लाने यहाँ पैसा चढ़ा गुरु जी के यहाँ आई जा, आप है ना गुरु जी की सेवा करो। हाँ 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 गुरु जी, ये कौन सा मंदिर है माता जी का? पार्वती जी का। हाँ हाँ, ये गणेश जी का, ये गणेश जी का था, ये गणेश जी भोलेनाथ के, नहीं ये पार्वती माता। वाह 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 क्या बात है। नहीं ये हनुमान जी। हाँ ये भी माता जी है, ये पार्वती माता जी के। आज आज पार्वती जी माता जी के दर्शन करना आप यूट्यूब चैनल पर। केदारेश्वर महादेव का मंदिर है ये रतलाम के पास में। अब इस मंदिर के आपको दर्शन है ना, अब घर बैठे करिए, आप घर बैठे आप इसके दर्शन करिए। वाह वाह क्या बात। हाँ ले गुरु जी को चढ़ा देता। हाँ ये ला ले गुरु जी को, वहाँ चॉकलेट दे दे, कर ले ये चॉकलेट दे दे। हाँ ले दे दे। हाँ गुरु जी यहाँ सावन के महीने में बहुत भीड़ होती होगी। सावन के महीने में, सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिर में भीड़ रहेगी। हाँ क्योंकि ये एक मंदिर उधर भी था सेलाना के उधर आगे, मैंने कहा कि हाँ क्योंकि मेरे यहाँ पे हमारे मेहमान आए हुए थे, उनने भेजा मेरे को। हाँ वो यहाँ चौकुंडा से आए थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ भोलेनाथ के मंदिर में जरूर जाना। मैंने कहा वहाँ जरूर जाऊँगा मैं। वाह जय भोलेनाथ की जय। जल चढ़ा दो। हाँ हाँ आ जा, हल्की हल्की पालकी मार के बैठ जाओ। हाँ ओम श्री वंदिका बगल जम भगवाधि कन्ना गजात गर्भी साल पुष्पी मिल भक् प्रभल तुलसी दल मंजरे भी स्वाम भूजिया जगरी स्वर भी प्रसिद्ध ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दत्तदूयात् साम्ब सदाशिवाय नमः पार्वती प्राणनाथाय नमो नमः श्रीकेदारेश्वराय नमो नमः जय हो। ले अब समय जाओ, मुँह जो है ना।